एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं एलोवेरा की, वो वैसे ही हमें पता है मौजूद हैं। अगर हम इसको खा रहे हैं तो भी हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं, और हम इसके मास्क के फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्क के फॉर्म में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल लें, जिसमें आप एक टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लें, एक टेबल स्पून आप अपना क्यूकम्बर की जेल ले लें, उसका जो जूस होता है वो ले लें, और इसको आप बेसन में अगर मिक्स करके लगाते हैं तो आपकी स्किन को ये एक बड़ी अच्छी, मुझे बेसन नहीं सूट करता, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में दो चार ऐसे लोग होंगे जो, क्योंकि देखिए उपटन की बेस अक्सर बेसन होती है, और मैंने जब कुछ साल बेसन का इस्तेमाल, मैंने उसमें क्रीम मलाई तक मिक्स करके इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्किन ब्रेकआउट कर जाती थी और अजीब क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे। तो हम उसमें जो है वो ड्राई मिल्क एड ऑन कर सकते हैं, सूखा दूध डालें, उसके अंदर अपनी ये दोनों जेल्स डालें, और उसके अंदर आप विटामिन ई का फिर कैप्सूल डालें, बड़े आराम से, बड़े सस्ते में वो बड़ा डब्बा मिल जाता है कैप्सूल्स का, वो खाने के लिए भी एक सर्टेन 35-40 साल की उम्र के बाद अगर खवातीन उसको वैसे भी डेली इस्तेमाल करें डॉक्टर से पूछने के बाद, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ अगर स्किन पे भी लगाएं, विटामिन ई इज़ अ ब्यूटीफुल विटामिन, और विटामिन सी, आप विटामिन सी का सीरम के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल थोड़ा ऐड करके मिक्स करके उसको फेस एंड नेक पे लगाएं, आपको डबल अच्छा असर मिलेगा।